नंगल मेन मार्केट के प्रधान मृत्युंजय दास जी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि वो बीबीएमबी के खिलाफ मेन मार्केट के दुकानदारों की लीज मसले की लड़ाई को कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठ के वो इस मसले को लेकर कई बार पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय मदन मोहन मित्तल जी और मौजूदा कांग्रेस सरकार में स्पीकर माननीय राणा केपी जी से मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ वो कानूनी लड़ाई में भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य बताए जिनमें ये दर्ज है कि मेन मार्केट की जमीन का जो मलकाना हक है वो पंजाब सरकार का है, ना कि बीबीएमबी का। चाहे तो साड़ी जनता ने जो हाँ सुन लो जरूर मैंने मिलता है पिछले कई बार मेरी कुछ बड़ी गल भी चल जाती है मान लो चाहे राणा कंवरपाल जी है चाहे मनोहर मित्तल जी है। मैं अक्सर दो तीन चार बारी राणा जी ने मिले मित्तल साहब का चलो थोड़ी नेड़ता सी या जो भी सगा इन्होंने मैं साफ किया कहना वर्तन जी तू तो हूँ आता पाया पुछो जंतर जी पुछो इन पुछो इन मैं कि बारी कहा वो सरकार अभी मालक बैठी है थोड़ा अभी उल्टा ही थोड़ा हिट हिट कर देते हैं ना ही ना मैं मित्तल साहब ये बेचारे भोले लोग भोले दुकानदार इन्हों बेचारों को क्या पता कि साडा किधर फायदा किधर नुकसान है। ये तो जनता को देखना तुम्हें देखना कि भाई मैं कितना फायदा कर दवा कि चाहे आने समय के मैं इस चीज़ का लोगों को प्रचार करके बेनीफिट लै सकता चलो तू लड़ाई वाले पैसे तौर पर अच्छा एक होर गल है गल कहनी तो मैं कह नहीं देना इस लड़ाई में लैके इस मुद्दे में लैके साढ़े मानयोग विधायक या मंत्री रहे मनमोहन मित्तल जी उन्होंने बेटा अरविंद मित्तल कट के केस प्रस्यू किया पूरी तरह लड़िया कागजी आधार के उपर उ इस केस में लैके आए थी कि भाई जमीन पंजाब सरकार की है देखो डबल रोल हो गया कोर्टा भी तुम्हें कहते सी मालक है कि आगे कही जाते हैं समझौते का यह तो देखो मैं समझ नहीं रही मैं जनता का नुमाइंदा भी है नहीं कहा मेरी आवाज़ है हाईकोर्ट से उन्होंने एफिडेविट फाइल करता मैं पैसे जे वो क्या रहा है 13 लाख का बिल आ गया जे 13 लाख वाले कोई एक ने भी करवा देते मैं 80% जरा ट्रेडर है 13 लाख कराने की मैं दस नहीं करेगा क्या होता देखो केस का वकील लड़ते हैं किसी केस के कतल केस बंदा बरी हो जाता किसी केस बंदा सजा पा जाता वो पता कदों लगता तथ्य के आधार पर जिसने इस बंद मतलब कहने में चुके तो है सजा पड़े मतलब भाई सियाना है सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट फैसला किया बेदी वाले केस ठीक अड्डा मार्केट उन्हें साफ तौर पर कहा बीबीएमबी नो मेरा लेना कोई नहीं पंजाब सरकार ने इस मसले के ऊपर एडवोकेट अनुज ठाकुर ने भी कानूनी दावपेच के आधार पर यह साफ साफ बताया कि इस मेन मार्केट के दुकानदारों की जमीन का मलकाना हक पंजाब सरकार का है ना कि बीबीएमबी का। तो उन्होंने खरीदारी लिए शॉप्स भी चाहिए रहने लिए प्लॉट्स भी चाहिए फिर अकाली सरकार ने उस वे जो शॉपकीपर से जो इतने आए हैं उन्होंने प्लॉट भी अलॉट किए तो कुछ शॉप्स बना के भी दिखाई जिन्हों का रेंट भी लिया उन्हें लीज भी लिया उस अकॉर्डिंग पीसफुली सारे नंगल शहर डिवेलप होया लोकी रेंगे रहे पर पिछले 30-35 साल तो बीबीएमबी ने नजायज तौर पर लोगों के जोड़े है अंडर पीपी एक्ट केस बच करने शुरू कर दते हैं तो एक टैरर क्रिएट करिए शहर के साडे वगैरह तक कुछ नहीं होना बेसिकली प्रॉपर्टी ये पंजाब सरकार की हैगी है पंजाब सरकार ही यहाँ अधिकार खेत्र के लिए चलती है और जोड़े पंजाब सरकार के ऑफिसर्स ने टाइम टाइम के उन्होंने हमेशा चाहे वह पोस्ट मैटर चलिया चाहे वह कोई कॉरसपोंडेंस हुई है उसके बकायदा रिप्लाई फाइल किए एफीडेविट फाइल किए हैं कि ये जी प्रॉपर्टी है पंजाब सरकार की है एजुकेशन महकमे की है और पंजाब सरकार ये देख रेख कर रही है और ये बीबीएमबी का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है सर कोई डॉकूमेंटरी प्रूफ थोड़े को है भी तुम कह रहे कि पंजाब सरकार की कोई डॉकूमेंट थोड़े को आया हो या कोई पब्लिश होया हो कुछ ऐसा इस तरह है कि जे अभी फर्ज जमाबंदी तो किसी की मालकी देखी जाती है फर्ज जमाबंदी देखी अभी नंगल शहर की कितने की भी लैली महकमा नहर जो है मालिक है बीबीएमबी कितने की मालिक नहीं है